तो कैसे आप सब, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम फिर लेके आ चुके हैं स्पेशल एयर ड्रॉप का नया ट्रिक। जैसे कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरी आईडी में नहीं आ रहा, तो भाई आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपका गारंटी के साथ में एयर ड्रॉप आ जाएगा। तो आप ऊपर देख सकते हो कि मेरी आईडी में जो यहाँ पे 106 डायमंड भी है और उसके बाद भी यहाँ पे एयर ड्रॉप आया है, वो भी 29 रुपीज़ में, साथ में क्यूपिड स्कार की क्रिएट। भाई बहुत ही क्रिएट यानी लेजेंडरी क्रिएट यहाँ पे आई है, साथ में फार्मर्स की ये भी बहुत अच्छी क्रिएट है। यहाँ पे M4A1 है, MP40 है, लेकिन यहाँ पे दो क्रिएट जो M4A1 और ये यहाँ पे क्यूपिड स्कार की और यहाँ पे जो फार्मर्स है ये दोनों लेजेंडरी गन स्किन है। साथ में 299 डायमंड दिए गए हैं, 299 यानी 300 डायमंड है। तो ऐसा करके आपका भी एयरड्रॉप आ जाएगा, तो आपको बस वीडियो को लास्ट तक देखना। और भाई अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने जब से टॉपअप किया तब से नहीं आया, तो भाई आप गलत बोलते हो कि आप ऊपर देख सकते हो कि आईडी में यहाँ पे डायमंड भी पड़े हैं और यहाँ पे 106 डायमंड है, उसके बाद भी यहाँ पे एयरड्रॉप आया है तो आपका भी एयरड्रॉप आ जाएगा। तो चलिए पहले हम ऑफर को बाई करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं ट्रिक कैसे आपका एयरड्रॉप आएगा। तो चलिए यहाँ पे ऑफर को हम बाई कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑफर हो चुका है भाई, चलिए आपको मैं वॉल्ट में जाके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वही वाला एयरड्रॉप आ चुका है। अभी मैं इसको ओपन नहीं करूँगा क्योंकि जब आपको अगर आपकी आईडी में एयरड्रॉप रहता है, आपकी आईडी में डायमंड रहता है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप डायमंड को ख़त्म कर दो, उसके बाद ट्रिक अप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ पे मेरा फिर भी ऑफर आ चुका है। लेकिन बहुत से टाइम पे ये होता है कि अगर आपकी आईडी में डायमंड्स वगैरह होते हैं, अगर 10 से ऊपर होते हैं, तो आपका ट्रिक वर्क नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, अपने डायमंड को स्पिन कर देना है 10 के ऊपर अगर हैं, और अगर आपके आईडी में ज़्यादा डायमंड है तो आपको अपने डायमंड ख़त्म करने के बाद ही ट्रिक अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं इसको अभी ओपन नहीं करने वाला हूँ, जब मुझे डायमंड लगाना होगा तो मैं यहाँ पर इसको ओपन करूँगा। तो आपको भी ऐसा करना है, अगर आप दोबारा से ट्रिक अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जो है अपनी यहाँ पर बंडल को ओपन नहीं करना है। तो अगर चलते हैं ट्रिक के बारे में। सबसे पहले क्या करना है, अपने कलेक्शंस में आना है। कलेक्शंस में आने के बाद आपको यहाँ पे अपने बैनर पे आना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिल्वर का बैनर लगा है यहाँ पे, जो फ्री में मिला था। तो ऐसे करके आप भी कोई फ्री का यूज कर सकते हो या फिर किसी करेक्टर का यूज कर सकते हो, जैसे कि ये वाला या जो भी आपको फ्री का यूज कर लो। बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जो जैसे कि कोबरा इवेंट में मिला था या फिर किसी इवेंट में जो है डायमंड से मिला था तो वो वाला इक्विप कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसके बाद अवतार को आपने यहाँ पे देखा, मैंने डिफ़ॉल्ट वाला यूज किया। तो ऐसे करके आप भी हो सके तो अवतार बैनर दोनों को डिफ़ॉल्ट वाला यूज कर लो। तो इतना करने के बाद क्या करना, अपने करेक्टर में आ जाना है। और करेक्टर में आने के बाद आपको वो करेक्टर यूज करना है जो आप डेली यूज नहीं करते हो और वो करेक्टर आपने फ्री में लिया था या फिर किसी गोल्ड में लिया था। तो यहाँ पे मैंने ये भी ट्रिक अप्लाई किया, तो मैंने हयातो लिया था। तो आपको भी हयातो से यूज कर लेना है। और आप यहाँ पे देखो तो ये वाला ड्रेस सेम यही ड्रेस मैंने पहनाया था। तो आपको क्या करना है, उसके बाद अपने गोल्ड में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद जो भी आपका फ्री का ड्रेस हो, गोल्ड रॉयल का हो या फिर फायर पास में फ्री में मिला, वो आपको इक्विप कर लेना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे वाले मैजिक वाले पहना देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी, जो आपका फ्री में मिला हो वो वाला आपको यहाँ पे इक्विप कर देना है। अगर मेरी बात किया तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है ये वाला टी शर्ट अभी जब मैंने ट्रिक अप्लाई किया था तो ये वाला टी शर्ट यहाँ पे मैंने इक्विप किया था। और जैसे सेम ड्रेस देख रहे हो, यही सेम टू सेम ड्रेस मैंने पहन के यहाँ पे ट्रिक अप्लाई किया था, तो मेरा ऑफर यहाँ पे आ चुका था। तो उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको अपनी सेटिंग में आना है, अदर्स पे आके अपने क्लियर कैच कर देना है। इसको आपको कम से कम 5-6 बार कर देना है। इतना करने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, फिर से आपको बैक आ जाना है। अभी आपको यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो आपको गेम प्ले करना है तो यहाँ पे इसको जो है हटा देना है ऐसे ही। और यहाँ पे जिनके में ये लगा है यहाँ पे उसको जो है यहाँ पे नहीं लगाना। जैसे कि आपने यहाँ पे एबिलिटी लगाई क्ला की या जितनी भी एबिलिटी है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको एबिलिटी हटा देनी है। जैसे कि मेरे में अभी भी हटी हुई है क्योंकि मैंने जब ये ट्रिक अप्लाई किया था तो मैंने इसको सबको हटा दिया था। तो ऐसे करके दोस्तों आपको यहाँ पे सेम टू सेम करना है, जो आपके नीचे ये एबिलिटी होती है इनको सबको हटा देना है। यहाँ पे कोई भी एबिलिटी नहीं यूज करनी है। और आपके जो ऊपर ये बाउंटी वगैरह लगाते हो, बाउंटी टोकन स्कैंस वगैरह, इसको भी आपको हटा देना है। और इसके बाद हटाने के बाद आपको क्या करना है, जब आपका ऑफर महंगा वाला चल रहा होता है और महंगा वाला ऑफर ख़त्म होने वाला है, जैसे 1 घंटा 2 घंटा बचा है, ख़त्म होने वाला होता है, तो उस टाइम पे आपको ये सब कर लेना है। और उसके बाद आपको क्लासिक गेम प्ले करना है जब तक आपका ऑफर महंगा वाला रहता है। जैसे आपका ऑफर की टाइमिंग ख़त्म हो जाती है महंगे वाले ऑफर की, तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अपनी आईडी को लॉग आउट कर देना है, सेटिंग में जाके लॉग आउट कर देना है। और अपनी आईडी को कम से कम 12 से 14 घंटे तक ओपन नहीं करना है, हो सके तो 24 घंटे तक ओपन मत करो। तो दोस्तों ऐसा करना है, जब आपका 24 घंटे हो जाता है, जैसे कि आपका महंगा वाला ऑफर चल रहा है और वो अभी 2 घंटे रह गया उसको ख़त्म होने को, तो आपको उस टाइम पे जो है अपनी ये ट्रिक अप्लाई करके 1-2 मैच क्लासिक खेल लेना है, क्लासिक गेम प्ले कर लेना है। और क्लासिक गेम प्ले करने के बाद अपनी आईडी को लॉग आउट कर देना है या अपने आईडी को ओपन नहीं करना है कम से कम 14-15 घंटे तक। और जब ओपन करना है अपनी आईडी को तो ऐसे सेम टू सेम आपको ये बंडल पहने हुए सिर्फ यहाँ पर क्लैश स्कोर रैंक मैच लगाना है। तो क्लैश स्कोर रैंक मैच यहाँ पर लगाने के बाद
आपको ऐसे जाना है सोलो में, यानी कि आपको किसी बंदे को अपने फ्रेंड को इनवाइट नहीं करना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री में दिखा दूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे इसको रैंक गेम खेला है, जितने भी यहाँ पे कैसे इसको रैंक गेम खेला है। तो ऐसे करके आपको भी यहाँ पे कैसे इसको रैंक गेम खेलना है और अच्छा परफॉर्मेंस देना है, अगर आप अच्छे किल के साथ में भुइया वगैरह करते हो तो आपका ऑफ़र गारंटी के साथ में आ जाएगा। लेकिन आपको याद रखना, जब आपका महंगा वाला ऑफ़र चल रहा है या उसका टाइमिंग 1-2 घंटे बचा है, तो उस टाइम पर ट्रिक अप्लाई करके अपनी आईडी को लॉग, 1-2 मैच क्लासिक मैच गेम प्ले करके अपनी आईडी को लॉग आउट कर देना है, और कम से कम 14-15 घंटे या फिर हो सके तो 20-22 घंटे तक ओपन ही मत करो अपनी आईडी को। उसके बाद अपनी आईडी को ओपन करो, सिंपल सा क्लासेस को रैंक मैच लगाओ, क्लासेस को रैंक मैच लगाने के बाद सोलो चले जाओ, यानी रैंडम बंदे के साथ आप अपने किसी फ्रेंड को इन्वाइट मत करो। बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पे अपने फ्रेंड को इन्वाइट करके, तो उनके साथ में नहीं जाना है, यहाँ पे आपको सोलो में ही जाना है और वहाँ पे गेम प्ले करना है। तो आप अगर आप ऐसा करते हो तो आपका ऑफर आ जाएगा। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे जो एबिलिटी आप यूज करते हो उसको हटा देना है। और वैसे तो यहाँ पे क्या होता है, क्लास स्कोर रैंक में कोई काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे इन एबिलिटी को इक्विप नहीं करना है, इनको हटा देना है। तो ऐसा करके आपका जो है ऑफर आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपका वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों ये ट्रिक अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दो। हो सकता है आपका ऑफर एक बार में नहीं आया, लेकिन आप अगर ये ट्रिक 2-3 बार अप्लाई करते हो दोस्तों आपका ऑफर गारंटी के साथ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।